कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। और जो चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को आप अच्छी तरह से रिवाइज किए होंगे। आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 का जो फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने देखा था पहला चैप्टर, उसमें रिलेशन ऑफ फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। रिलेशन ऑफ फंक्शन में जो पहला वीडियो आप लोगों ने देखा उसमें रिलेशन के हम लोग टू टाइप देखे थे। पहला था उसमें एम्प्टी रिलेशन था, रिक्त संबंध था, और दूसरा था यूनिवर्सल रिलेशन था, सार्वत्रिक संबंध था ना। उन दोनों संबंधों के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे तुल्यता संबंध। कोई भी संबंध तुल्यता संबंध को कब प्रदर्शित करता है, यदि कोई संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा या सममित होगा। दूसरा सममित होगा या फिर संक्रामक होगा तब वो संबंध क्या करेगा, तुल्यता संबंध को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा ना। ये होता है रिफ्लेक्सिव होगा। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा तब वो संबंध क्या हो जाएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तब वो संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा या तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो ये जो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं कैसे क्या होता है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, पहला जो हो जाएगा स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। देखिए कोई संबंध रिफ्लेक्सिव कब होता है यदि सभी ए इज ए एलिमेंट ऑफ क्या हो, ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए हो, नहीं जो अवयव हो ए हो, जो कोई अवयव हो वो ए का अगर क्या है एलिमेंट हो, अवयव हो, तो ए इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर, ए इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर संबंध क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा वो स्वतुल्य होगा। देखिए जो इसका हिंदी नाम है स्वतुल्य होगा, हिंदी नाम से इसका डिफिनेशन ज्यादा क्या होता है, क्लियर होता है। स्वतुल्य यदि कोई अवयव, यदि किसी संबंध का कोई अवयव अपने ही तुल्य हो तो वो संबंध क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाता है ना, स्वतुल्य कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल देखो यदि मान लीजिए ए कोई समुच्चय है, ए के अवयव कितना है, 1, 2, 3 है, ए के अवयव 1, 2, 3 है। R1 बराबर एक संबंध लिखा गया है, पहला है 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 3, ये संबंध लिखा गया ना, ये संबंध लिखा गया है। R2 एक संबंध और लिखा गया है, R2 है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 2, 3 है, 2, 3 है ना, 2, 3 है। तो आपको ये बताना है क्या ये संबंध स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य माने अपने ही तुल्य, तो अपने ही तुल्य माने 1, 1 के तुल्य हो, 2, 2 के तुल्य हो, 3, 3 के तुल्य हो, अगर ऐसा किसी संबंध में आता है तो वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब जैसे मान लो R1 है, R1 में क्या है, 1, 1, 1, 1 तो ही है, 2, 2, 2 देखो 2 है तो 2, 2 भी है, 3 है क्या, 3, 3 है, नहीं है। ये जो संबंध होगा आपका R1 वो क्या नहीं होगा,
स्वतुल्य नहीं होगा। जो R2 लिखा है, R2 देखो एक है एक एक है, दो है दो दो है, तीन है तीन तीन है, यानी प्रत्येक अवयव अपने तुल्य के क्या है, बराबर अपने तुल्य है ना। देखिए इसका जो प्रत्येक अवयव है डबलट इसका पाया जाता है, प्रत्येक अवयव का डबलट पाया जाना चाहिए ना, प्रत्येक अवयव का अगर डबलट पाया जाएगा तब वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ये संबंध क्या हो जाएगा आपका, स्वतुल्य होगा। तो स्वतुल्य होने का अर्थ यही होता है कि अपने तुल्य होना ना। तो एक एक के तुल्य होगा, दो दो के तुल्य होगा, तीन तीन के तुल्य होगा, ये हो जाएगा आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया, माना 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 कोई रिलेशन ऐसे दिया गया है, आप अगर लिखा है एक्स वाई such that x is parallel to y, x y क्या है, x y किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं, किसी समतल समतल किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं, में स्थित किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं, बस समझ में आया, किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अब x समांतर y है, एक रेखा ये है x है, एक रेखा ये है y है, x समांतर y है, जब x समांतर y है तो हम लोग ये चीज जानते हैं कोई भी रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है ना। तो x समांतर x होगा ना, x समांतर x होगा, कोई भी रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है। तो मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन में क्या हो जाएगा, आर में क्या हो जाएगा, एक्स यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर होगा, नहीं एक्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, इसलिए ये जो संबंध होगा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। इसलिए यह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा, संबंध स्वतुल्य स्वतुल्य हो जाएगा ना, बात समझ में आया। तो चलो ठीक है, स्वतुल्य समझ में आया हमारे, स्वतुल्य क्या होता है, यदि कोई अवयव स्वयं के ही क्या होता है, तुल्य होता है, तो वो जो संबंध, इस तरह का जो संबंध होगा वो संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। दूसरा क्या होता है, सममित संबंध होता है, सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सममित संबंध। चीजों को आप क्या करें, नोट करते रहेंगे, अभी और अच्छी तरह से क्लियर होगा जब हम लोग और एग्जांपल्स को देखेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, ये क्लियर होता चला जाएगा आपका। दूसरा चीज में देखो क्या होता है, सममित संबंध होता है, सममित संबंध, सममित सममित संबंध क्या होता है, संबंध डिफिनेशन को आप लिखते रहेंगे, सममित संबंध क्या होता है, सममित या सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक ना, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन देखो सममित संबंध क्या होता है, यदि क्या होता है, यदि यदि ए वन ए टू ए वन ए टू इज एलिमेंट ऑफ क्या हूं, ए हूं, मतलब क्या हूं, ये जो अवयव हूं समुच्चय ए के क्या हूं, अवयव हूं, तो क्या होगा, तो ए वन ए टू एलिमेंट ऑफ आर होने पर, आर होने पर होने पर यदि क्या होता है, यदि ए टू ए वन ए टू ए वन इज एलिमेंट ऑफ आर हो, तो क्या हो जाएगा, तो वह संबंध क्या होगा, तो वह संबंध क्या हो जाएगा आपका, सममित संबंध होगा, संबंध सममित संबंध होगा, सममित सममित संबंध होगा, क्लियर। अब देखो अगर क्या है, किसी संबंध में ए वन ए टू आता है, ए वन ए टू किसी संबंध का अगर क्या नाम है, अवयव हो, तो ए टू ए वन क्या होना चाहिए, उस संबंध का अवयव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मान लो ए बराबर लिखा गया, वही जो एग्जांपल था वन टू थ्री, वन टू थ्री लिखा था, आर वन बराबर लिखा था, लिखा है एक रिलेशन है कि वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, थ्री थ्री है,
टू थ्री है तथा थ्री टू है ना, इस तरह से कोई संबंध लिखा गया है। और क्या है एक संबंध इसी में और है, वन वन है, थ्री थ्री है, थ्री थ्री है, वन थ्री है और टू थ्री है ना, टू थ्री है, इस तरह से कोई संबंध लिखा गया है। अब इसमें देखो क्या होगा, जो R1 आपका होगा, R1 देखो क्या है, यानी कि सबका डबलेट है, वन वन के तुल्य है, टू टू के तुल्य है, थ्री थ्री के तुल्य है, यानी सबका डबलेट पाया जा रहा है। ये क्या हो गया, पहले तो स्वतुल्य हो गया। हम लोग सारे संबंधों को किसी एक लेसन में देखते चलेंगे, अगर ये तीनों संबंध किसी एक लेसन में पाए जाते हैं तभी वो संबंध क्या होगा, इक्वलस लेसन होगा, यानी तुल्यता संबंध तभी होगा। अब देखो तो ये क्या हो गया, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, सबका डबलेट है, टू थ्री है और थ्री टू भी है, यानी ए वन ए टू है तो ए टू ए वन भी है, यानी टू थ्री है तो इसका उल्टा थ्री टू भी है। तो ये जो संबंध होगा कौन सा होगा, ये स्वतुल्य भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और क्या होगा, सममित भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, नहीं ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। और ये वाला देखो, ये वन वन है, टू टू नहीं है, टू टू नहीं है तो ये क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि आपका स्वतुल्य नहीं है। वन थ्री है लेकिन थ्री वन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे लिख देंगे चूंकि टू टू इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या है, आर, नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, इसलिए क्या होगा यह स्वतुल्य नहीं होगा, इसलिए यह स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं होगा। बात समझ में आया, यह स्वतुल्य नहीं होगा तथा तथा वन थ्री इज एलिमेंट ऑफ आर है, वन थ्री इज एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन लेकिन क्या नहीं है, लेकिन थ्री वन इज नॉट, थ्री वन किसी एक को दिखा देंगे, थ्री वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, इसलिए क्या है, इसलिए यह क्या नहीं है, यह सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, दोनों नहीं है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप चीजों को क्लासिफाई करेंगे और एग्जांपल्स को ढंग से देखेंगे, डेफिनेशन आप इसका लिखते रहेंगे, डेफिनेशन लिखते रहेंगे, अगर आपका डेफिनेशन क्लियर रहेगा, फंडा क्लियर रहेगा, सवाल सब आएगा। और अगर आपका सवाल लगाने के पीछे रहेंगे तो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा। बोर्ड की परीक्षा में अगर जरूरी नहीं होता कि जो सवाल आपकी बुक में दिया गया हो वह वही सवाल क्या करें पेपर में दे दे, वो थोड़ा सा इधर उधर करके भी दे देते हैं। तो इसलिए अगर आपका फंडा क्लियर रहेगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए अभी जो पिछला एग्जांपल हम लोग लिखे थे, एग्जांपल एक लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे एग्जांपल, हम लोगों ने लिखा था कि कोई संबंध इस प्रकार दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स इज पैरेलल टू वाई है, जहां जहां एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई समतल में, किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं, किसी समतल समतल में स्थित रेखाएं हैं, में स्थित रेखाएं हैं, किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं। बात समझ में आती, बात समझ में आया। अब इसमें देखो R1 बराबर मान, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे, अब अगर x समांतर y है, दो रेखाएं मान लीजिए हैं, एक x है ये y है, ये x है ये y है, नहीं पिछले पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने पिछली बार मतलब जब स्वतुल्य सिद्ध करे थे तो वहां हम लोग देखा था कि कोई भी रेखा स्वयं क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए x समांतर x होगी, x समांतर x होगी, यानी x x इज एलिमेंट ऑफ क्या है, आर है, तो ये स्वतुल्य बना था। इसमें देखो अगर क्या है x समांतर y है तो निश्चित y समांतर क्या होगा, x होगा। बस में आ रहा ना, दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्योंकि दो रेखाएं, ऐसे लिख देंगे लोग भाषा में, लिख देंगे दो रेखाएं,
दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर वाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर वाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। अतः क्या हो जाएगा आपका, अतः जो आर होगा, आर क्या होगा, सममित होगा, आर सममित भी होगा ना, सममित भी होगा ना, ये सममित हो गई। बात समझ में आया? तो ये सममित भी हो गई, ये क्या हो गई, स्वतुल्य भी हो गई। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ये तो हो गया स्वतुल्य हो गया सममित हो गया, तीसरा हम लोग देखते हैं संक्रामक संबंध क्या होता है। सममित संबंध हो गया आपका, संक्रामक संबंध क्या होता है ना, संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं, संक्रामक संबंध। बात समझ में आया? संक्रामक संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध क्या होता है, यदि क्या है, यदि A1, A2, A3 इज एलिमेंट ऑफ A है, मतलब क्या है, A1, A2, A3 अगर किसी समुच्चय के क्या है, अवयव है A1, A2, A3 इज एलिमेंट ऑफ R, A है तथा A1, A2 इज एलिमेंट ऑफ क्या है, R तथा A2, A3 इज एलिमेंट ऑफ R होने पर मतलब A1, A2 क्या हो, संबंध में हो तथा A2, A3 संबंध में हो, तो होने पर देखो, होने पर यदि क्या हो, होने पर यदि A1, A3 एलिमेंट ऑफ R हो तो संबंध दिया गया, संबंध क्या हो जाएगा, तो दिया गया संबंध क्या होगा, दिया गया संबंध आपका हो जाएगा ट्रांसिटिव हो जाएगा, यानी संक्रामक हो जाएगा ना, संक्रामक संबंध होगा। तो इस तरह से क्या करोगे आप चीजों को, पहले तो डिफिनेशन लिखोगे, लिखने के बाद अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया कि किसी संबंध में A1 A2 दिख रहा हो, A2 A3 दिख रहा हो तथा A1 A3 भी इनके साथ में हो, A1 A3 भी इनके साथ में हो, तब वो संबंध क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव संबंध होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, संक्रामक संबंध होगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो इसको आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद हम लोग एग्जांपल नीचे देखते हैं ना, एग्जांपल देखते हैं जैसे वही संबंध हम लोग वही समुच्चय फिर लेते हैं 1, 2, 3 अगर कोई संबंध R1 बराबर लिखा गया है 1, 1, 2, 2 और 3, 3 लिखा गया, नहीं 3, 3 लिखा गया है तथा 1, 2 और 2, 1 भी हो, 1, 2, 2, 1 भी हो ना, अब इस संबंध को हम लोग देखते हैं। देखो अब ये देखते हैं, अब एक चीज तो ये है R2 बराबर एक संबंध और लिखा है ना, ये 1, 1, 2, 2 है और 1, 2 है और 3, 1 है ना, 3, 1 है। इस तरह से ये संबंध दिए गए, दो संबंध दिए गए हैं। अब इनको देखिए, आप खुद सोचें, वीडियो को रोक करके खुद सोचें कि कौन क्या होगा, उसके बाद फिर वीडियो को चालू करके आप देखना ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, हम समझा रहे हैं आपको,
सबका डबलेट होना चाहिए, डबलेट अगर होगा तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा ना। तो देखो 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, यानी क्या हो गया, ये स्वतुल्य तो हो गया ना, ये स्वतुल्य हो गया। अब यहां पर देखो 1-2 है, बाकी कुछ है कि नहीं है, अगर हमको 1-2 दिखा तो हमको खाली यही देखना है 2-1 है कि नहीं है, 2-1 भी है, 1-2 है, 2-1 भी है, इसलिए क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, नहीं सममित हो गया ना, ये सममित हो गया, सममित संबंध भी है, ये सममित हो गया आपका। अब देखो ये चीज 1-2 है, यानी कि A1 A2 है, A1 A2 है, A2 A3 है, यानी जो यहां पे लास्ट में आएगा वो पहले आया है, जो लास्ट में आया वो पहले आया, 1-2 है, 2-1 है, तो हमको क्या होना चाहिए, A1 A3 होना चाहिए, इसका पहला इसका अंतिम होना चाहिए, इसका पहला इसका अंतिम होना चाहिए, तो यानी कि 1-2 है, 2-1 है, तो 1-1 भी होना चाहिए, तो 1-1 तो है इसमें, देखिए 1-1 भी है इसमें, तो यानी ये क्या हो गया, ये आपका संक्रामक भी हो गया, ये ट्रांसटिव हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसटिव हो गया। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसटिव हो, देन दैट रिलेशन विल बी एक्विवेलेंस रिलेशन, वो रिलेशन कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा। यानी ये जो संबंध लिखा गया है, ये संबंध किस चीज को शो कर रहा है, तुल्यता संबंध को शो कर रहा है, बात समझ में आ जाएगा, ये तुल्यता होगा, चलिए ठीक है, ये तुल्यता हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो ये संबंध R2 लिखा है, इसके बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं, 1 देखो 1-1 है, 1 है तो 1-1 है, 2 है 2-2 है, 3-3 गायब है, जब 3-3 गायब है तो निश्चित क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा ना, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर अब देखते हैं हम लोग 1-2 है, 2-1 कहां है, या 3-1 है तो 1-3 कहां है, नहीं है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1-2 है, 2-1 नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, यानी इसका उल्टा नहीं पाया जा रहा है इसमें, ये क्या नहीं है आपका, ये सममित नहीं है ना, ये सममित नहीं है। अब देखो यहां 3-1 है, 3-1 है, इसका सेकंड वाला इसके पहले वाले से मैच कर रहा नहीं, 3-1 है, 1-2 है, तो क्या आपको इसका पहला इसका अंतिम मिल रहा है, 3-2 कहीं दिख रहा है, 3-2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 3-2 कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या नहीं। या दूसरा हम लोग देखें, जैसे मान लो ये 1-2 है, ये 2-2 है, ये 1-2 है, यानी A1 A2 है, और ये A2 A3 है, किसका पहला इसका अंतिम कहीं दिख रहा है, 1-2 कहीं दिख रहा है, 1-2 है नहीं, 1-2 है, तो फिलहाल हमको ये देखना था कि देखो 1-2 तो है, लेकिन एक अगर कोई एक चीज क्या होता मैच नहीं करता है इसके अनुसार, इस रिलेशन में इसके अनुसार कोई एक चीज मैच नहीं करेगा तो वो क्या होगा, ट्रांसटिव नहीं होगा ना। देखो तो यहां पे 3-1 है, 1-2 है, तो 1-1 अगर कैंसिल होगा तो हमको क्या मिलना चाहिए, इसका पहला मिलना चाहिए 3 और 2, 3 और 2 मिलना चाहिए, तो 3 और 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं 3-2 नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या नहीं, ये सिमेट्रिक ट्रांसटिव नहीं है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है, ये ट्रांसटिव है, ये तीनों नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध को शो नहीं करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं होगा। तो बातें समझ में आई होंगी, नहीं बातें अगर नहीं समझ में आई है तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखने के बाद जब हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, देखिए जो एक्सरसाइज होता है वास्तव में ये जो डिफिनेशन होते हैं, डिफिनेशन रटने से आपका काम नहीं बनेगा, चीजों को जब हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को जब हम अप्लाई करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब अप्लाई करेंगे तो अपने आप क्या होगा, गुत्थी सुलझती जाएगी ना? तो गुत्थी को सुलझाना है अगर हमको एक्सरसाइज करना है, एग्जाम्पल करना है, तो बातें समझ में अपने आप से आती जाएंगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग ना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, चीजों को आप नोट करते रहिएगा, नोट करेंगे एक जगह, आप क्या करेंगे इनका जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से नोट बना के रखेंगे, तो कभी भी आप देखेंगे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, क्लियर होती जाएंगी।
देखो एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आर बराबर लिखा है एक्स वाई, वो एग्जांपल सच दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू क्या है वाई है ना, जहां एक्स वाई क्या है, एक्स वाई किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं, किस समतल में स्थित रेखाएं हैं, किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं, बस समझ में आया, किसी समतल में स्थित रेखाएं हैं। अब देखो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि यक्ष समांतर यक्ष होगा नहीं, यक्ष समांतर यक्ष होगा, क्यों क्यों होगा इसका हम लोग रीजन भी लिख देंगे, क्योंकि कोई भी रेखा खुद के क्या होती है समांतर होती है। अतः क्या हो जाएगा, अतः एक्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, आर होगा, आर होगा नहीं, अतः अतः इसलिए क्या हो जाएगा, जो आर होगा क्या हो जाएगा, आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा ना, रिफ्लेक्सिव होगा, बात समझ में आया, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माने स्वतुल्य हो जाएगा। फिर क्या है, यदि क्या है, यदि x समांतर क्या है y, तो y समांतर x होगी, क्यों होगी, क्योंकि दो रेखाएं जो होती हैं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, समांतर होती हैं। रीजन लिख देंगे, यदि x समांतर y है तो y समांतर x होगी, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर, एलिमेंट ऑफ आर होने पर एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर वाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। अतः सो दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक नहीं, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब सममित होगा, समझ में आया। थर्ड चीज हम लोग क्या देखते हैं, यदि क्या है, यदि यक्ष समांतर वाई तथा वाई समांतर जेड है, नहीं क्या यक्ष वाई जेड तीनों क्या है दूसरे के समांतर है, जहां एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के क्या है समांतर है, एक्स समांतर वाई समांतर क्या है जेड है, यक्ष है वाई है आई जेड। देखो अब इसमें एक्स समांतर वाई है, वाई समांतर जेड है, एक्स यक्ष समांतर वाई है, वाई समांतर जेड है, यक्ष समांतर जेड होगा, बस समझ में आ रहा ना, तो यक्ष समांतर क्या हो जाएगा जेड नहीं, यदि यक्ष समांतर वाई है तथा वाई समांतर जेड है तो क्या हो जाएगा, x समांतर क्या हो जाएगा z होगा ना, अर्थात x y इज एलिमेंट ऑफ r होने पर r तथा x y इज एलिमेंट ऑफ r तथा y z इज एलिमेंट ऑफ r होने पर x z एक्स जेड इज एलिमेंट ऑफ आर होगा नहीं, एक्स जेड इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। अतः हम लोग क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आर होगा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, सो आर विल बी ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा ना, आर विल बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ना। अब ये जो तीनों है, ये जो रिलेशन आपको दिया गया है, ये तीनों को फुलफिल करता है, मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए ये जो संबंध होगा इक्वलेंस रिलेशन को शो करेगा, इक्वलेंस रिलेशन को शो करेगा, मतलब वो तुल्यता संबंध को दर्शाएगा, ये तुल्यता संबंध को दर्शाता है ना। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, ये जो क्या नाम होता है इंट्रो नहीं, ये जो चैप्टर 1.1 है, 1.1 का इंट्रो क्या होता है यहाँ पे क्लियर होता है। कल हम लोग क्या करेंगे, बुक के कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद इसका एक्सरसाइज करेंगे, तो तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए
और अगर आप इस वीडियो पे क्या है, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो आपको क्या होगा, मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।